तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे आप जरूर जानना चाहोगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग जोन में। तो आज हम जानेंगे इंडियन रेलवेज कितने पैसे लेती है किसी भी फिल्म या गाने की शूटिंग के लिए, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब में से बहुत से लोगों ने ये तो जरूर जानने की कोशिश की होगी कि इंडियन रेलवेज स्टेशन या ट्रेन के अंदर फिल्म की शूटिंग करने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है और कितना पैसा रेलवेज को देना पड़ता है। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। दोस्तों, रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर अगर आप वीडियो या फोटो शूट कर रहे हैं जिसका कोई भी कमर्शियल यूज नहीं है, मतलब कि उस वीडियो से अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते, तो इसके लिए आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कैमरे से फोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आजकल बहुत से यूट्यूबर कैमरे से वीडियो और फोटो शूट करते हैं बिना परमिशन के, और वो इन वीडियो से पैसा भी कमाते हैं, और ये सब वो अपने रिस्क पर करते हैं। लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से अगर रेलवेज या आरपीएफ चाहे तो आपको मना कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अगर कोई भी फिल्म की शूटिंग करनी हो तो क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, रेलवेज हर साल बहुत मोटी कमाई करती है शूटिंग से। वैसे तो ज्यादातर मूवीज की शूटिंग अब फिल्म सिटी में बने रेलवे के सेट या वीएफएक्स से हो जाती है, और अगर किसी फिल्म में डायरेक्टर को रेलवे के रियल सीन दिखाने हो, जैसे कि रंग दे बसंती और गदर जैसी मूवीज में जरूर देखे होंगे, तो अगर फिल्म में 3 डब्बे और 1 इंजन यानी लोकोमोटिव की डिमांड है तो रेलवे उसके लिए एक दिन का करीब 6 लाख रुपए लेती है। और दोस्तों, ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है, हाल ही में रेलवेज ने इसमें इजाफा किया है। और दोस्तों, अगर 1 इंजन और 3 डिब्बों को अगर ट्रैक पर 1 घंटे से ज्यादा रोका जाता है तो रेलवेज इसका 1000 रुपए प्रति घंटे एक्स्ट्रा चार्ज भी करती है। और दोस्तों, अगर ट्रेन के अंदर शूटिंग करनी हो तो A1 कैटेगरी वाले रेलवे स्टेशन की कीमत 2 लाख से 4 लाख प्रतिदिन लेती है, और B1 और B2 कैटेगरी वाले स्टेशन से करीब 80,000 से 1 लाख दिन का लेती है। इसके लिए डायरेक्टर को रेलवे के चीफ ऑफिसर को सारी बात बताते हुए एक एप्लीकेशन देनी होती है, और वो एप्लीकेशन वहां से अप्रूव होने के बाद वो एप्लीकेशन DRM को फॉरवर्ड की जाती है, और उसके बाद कितना पैसा चार्ज करना है, डेट और टाइम वो सब बताते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे रेलवे फिल्मों की शूटिंग के लिए कितना चार्ज करती है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी रेलवे से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।